नमस्कार, मम्मी एम्मी किचन फूड में आपका स्वागत है। और आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जा रही हूँ बैगन के झूड़ी बनाने, तो चलिए मैं बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, बैगन अच्छी तरह से मैं कटिंग कर ली हूँ। इसमें बिल्कुल चार कट लगाई हूँ, और इसके साथ ही ये झूड़ी के लिए ऐसे ही कटिंग किया जाता है अच्छी तरह से धो करके। अब मैं इसमें मसाले मिलाऊंगी। ये मसाला है, मैं सारा मसाला इकट्ठे मिक्सी में पीस ली। उसमें है मिर्ची, धनिया, थोड़ी सी सरसों, लहसुन, अदरक, जीरा, मरीच, हल्दी, ये सबको मैं पीस ली हूँ अच्छी तरह से एक ही साथ। अब इसे मैं इसमें मिला दूंगी। और ये कच्चा आम के धनिया पत्ता के साथ मैं चटनी जैसा पीस ली हूँ, इसे भी मिलाऊंगी इसमें। और थोड़ी सी तेल, और स्वाद अनुसार नमक। और ये टमाटर पीस ली हूँ, इसे भी थोड़ा सा। अब ये सबको अच्छी तरह से मिला लूंगी। और इधर तेल गरम होने के लिए डाल दी हूँ मैं इसके अंदर। इसमें मैं सोयाबीन भी डालूंगी। सोयाबीन 10 मिनट पहले मैं पानी में डाल दी थी भिगो के, अब इसे मैं पानी से निकाल ली हूँ। तेल में इसे फ्राई करूंगी। जब तक सोयाबीन फ्राई हो रहा है तब तक इसे अच्छी तरह से मैं मिला लेती हूँ। नमक, मसाला, तेल सब मिला के 5 मिनट रेस्ट पे रहेगा, ताकि जब तक सोयाबीन फ्राई हो जाएगा फिर इसे मैं फ्राई करूँगी। तो सोयाबीन फ्राई कर लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं इसे मैं अच्छी तरह से, देखिए अच्छी तरह से मसाला में मिला दी हूँ। अब मैं फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, सोयाबीन लाल हो गया है, बिल्कुल अच्छी तरह से सोयाबीन हो गया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसे थोड़ा तेल इसके अंदर होगा, वो निकल जाएगा। तेल में मेथी डाल रही हूं मैं। हींग थोड़ी सी, मेथी चटक गया है। अब इसमें बैगन के झूरी डाल देंगे। और इसके अंदर जो सोयाबीन फ्राई की थी वो डाल रही हूँ। और ये जो मसाला बचा हुआ है अब इसे डाल रही हूँ। अब मैं इसे ढक के रख देती हूँ। अब
थोड़ा थोड़ा देर में इसे चलाऊंगी अच्छी तरह से। इसमें पानी नहीं डलेगा, बस तेल में ही फ्राई होगा। बैंगन के झुड़ी तेल में ही बनता है, उसमें पानी नहीं डालते। देखिए चारों तरफ से तेल छोड़ दिया है। थोड़ा कैमरा और इधर करके दिखाओ, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल इसमें पानी नहीं डाली हूँ, तेल में ही बना है। और जितना तेल डाली थी आप देख रहे, बहुत ज़्यादा भी नहीं डाले थे। पर बैंगन ना तेल अपने आप तेल को छोड़ देती है, बैंगन तेल रखती नहीं। ये देखिए बन गया है, बिल्कुल बन के तैयार है। बैंगन की झूरी बन के तैयार है सोयाबीन के साथ। अच्छी तरह से पक गया है बैंगन, देखिए देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है। अब इसे रोटी से खाइए, चावल से खाइए, पराठे से खाइए, पूरी से खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए बैंगन की झूरी बन के तैयार है। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने घर में बनाइए, अपने फैमिली को खिलाइए। और मम्मी यम्मी किचन फूड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।